अचानक से चलती कार में लगी आग। मैरवा थाना क्षेत्र के मछरिया मोड़ के समीप की यह घटना है, जो चलती कार में अचानक आग लग गई और गाड़ी धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहां के स्थानीय लोगों जो आ जा रहे थे, उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के वाहन के साथ मैरवा पुलिस पहुंची और आग बुझाने में लगी। मामले के सदभर में बताया जाता है कि कार चालक सिवान की तरफ से किसी काम में आया था और थामे जा रहा था। इसी बीच मैरवा के मछरिया मोड़ के समीप अचानक गाड़ी गर्म हो जाता है और अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी धू धू कर जलने लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जो जल रहा है, पूरी तरह गाड़ी आग के काबू में है और गाड़ी जल रहा है। ये लोग यूपी के रहने वाले हैं, कोई काम से आए हुए थे और थावे के रास्ते वो जाने वाले थे। इसी बीच गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी जलकर राख हो गई। ये पूरी घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मछरिया मोड़ के समीप की है। ये जो आग लगी है कैसे लगी है? एक्चुअली हम लोग बरहज के रहने वाले हैं और मैरवा कुछ ऑफिशियल काम था, वो करके हम सोचे कि थावे मंदिर हम लोग निकल चले। थावे मंदिर के लिए हम लोग रास्ता ऐसे मैप पे देखते हुए जा रहे थे, अचानक गाड़ी यहाँ बंद हुई है। बंद हुई है तो साइड में लगा करके ये देखने की कोशिश की गई है, बोनट खोल के कि क्या दिक्कत है, क्योंकि तो गाड़ी नई थी, 2-2.5 साल पुरानी गाड़ी थी संभवतः। तो बोनट खोल के जैसे ही अभी हम लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे से अचानक आग पकड़ लिया, पीछे से आग पकड़ लिया है। तो फिर हम लोग बोनट वैसे खुला छोड़ के दूर हटे हैं, और चूंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, अपने नंबर पर कई बार 100-112 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की गई है, नंबर नहीं लगा है। तो यहाँ के कुछ लोकल निवासियों ने, लोकल किसानों ने फ़ोन किया है और हमने भी माननीय एसओ साहब से बात की है। तो फिर फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हैं, अगल बगल के खेत में भी थोड़ी बहुत आग लग गई थी, बुझाया गया और गाड़ी आपके सामने दिखी है। आपका परिचय? मेरा नाम अमित जायसवाल है, मैं बेसिकली देवरिया जिला बरहज का।